हेलो दोस्तों, नमस्कार। 3D क्रिएटिव इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत ही जबरदस्त रेडियो के साथ, बहुत ही जबरदस्त होगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसे डिजाइन लेके आया हूँ जो बहुत ही प्यारा है और वाले और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का है। ज्यादातर डिजाइन में प्रॉब्लम ग्राउंड फ्लोर में बहुत दिक्कत आते हैं कि डिजाइन देते बनता नहीं, कि वहां पे हम कैसे देंगे, क्योंकि एक ही फ्लोर का रहता है और हमारा एलिवेशन की शुरुआत होती है वो फर्स्ट फ्लोर से ही स्टार्ट होता है। तो ग्राउंड फ्लोर में ज़्यादातर लोग दिक्कत यही होता है। तो चलिए अपन देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में डिजाइन हम बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो साथ ही मैं आपके लिए एक तो साथियों अपन देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर में अपन बेहतर से बेहतर डिजाइन कैसे कर सकते हैं, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए 3D क्रिएटिव इंडिया। तो दोस्तों, नए साथी हैं तो वो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने 3D की ओर और मैं आपको 3D में दिखाता हूँ। ओके, दोस्तों ये है आपका 45x90 का। 45x90 का हमारे पास एक प्लान है, डिजाइन है। इसमें अपन डिजाइन बनाए हैं, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ये डिजाइन बना हुआ है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं शुरू से। हमने इसको ये रेंटली के लिए है, इस पूरा का पूरा रेंट के हिसाब से इसको तैयार किए गए हैं। तो मेन एंट्री इसका अपन सेंटर में दे दिए हैं और ये साइड में अपना रूम निकाल दिया, इधर भी रूम निकाल दिए हैं, इसमें विंडो है। दोस्तों यहाँ से अपना मेन एंट्री है, ये हमारा मेन गेट है। यहाँ पे हमने इसमें एक बॉर्डर दे दिए हैं विंडो में, सेम वैसे इधर भी कर दिए हैं। और ये ग्रुप काट दिए हैं, ग्रुप काटते हैं जिसे एक एक फिट की अपन ग्रुप दे दिए हैं। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये अपना प्लास्टर में है, इसे एक इंच उभरा हुआ है, इससे एक इंच जो आपका ग्रुप है, ग्रुप से एक इंच उभरा हुआ है। तो इससे क्या है, ये अलग लेवल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से अपना दीवार में है। अब आगे चलते हैं बालकनी में। बालकनी में अपना है इस तरीके से, सेम मैचेस करते हुए जो इस लेवल में, इसको भी हमने ग्रुप के पहले वाले को एक इंच उभार दिए हैं। उसके बाद फिर हमने 4 इंच का फिर से एक दीवार खड़ा कर दिया बालकनी में और इसमें 3 होल दे दिए हैं, 3 होल दे दिए हैं और इसमें 1-3 फेंस भी दे दिए हैं। तो इससे थोड़ा सा लुक अलग आ गया है और इसको बीच में डाल दिए हैं ताकि दोनों तरफ सेम डिस्टेंस हो जाए और अच्छा भी लगे। इसमें भी अपन बीच में हमने ग्रुप कर दिया है व्हाइट कलर का, जिसके कारण ये बढ़िया सा लुक आ रहा है। ऊपर में हमने मोल्डिंग कर दिए हैं, मोल्डिंग से थोड़ा सा इसका लुक अलग ही हो गया है। और बीच में दोस्तों इसका बीच सेंटर में हमने क्या कर दिया है, 1.5 फीट इसका ब्रिक वर्क करने के बाद में अपना जाली लगा दिए, पाइप कर दिए हैं इसमें, MS का पाइप लगा दिए हैं। और बीच में हमने फिर से ब्रिक वर्क कर दिए हैं, इसको भी जो मेन ब्रिक वर्क है उससे 4 इंच बाहर कर दिए हैं और इसमें भी फिंस कर दिए हैं, ऊपर मोल्डिंग कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही कम कास्टिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ग्राउंड फ्लोर का एलिवेशन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों टावर पीछे में है तो इस तरीके से आप भी तैयार कर सकते हैं।
ये रहा आपका एलिवेशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए दोस्तों के पास तो शेयर जरूर कीजिएगा।